हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइव एडवांस सेटिंग्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपने स्मार्टफोन में करोगे तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगी। और गाइस, अगर बैटरी सेव हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बैटरी जो है ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो अगर आपको भी अपने स्मार्टफोन में बैटरी प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी ज़्यादा नहीं चलती है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सो गाइस, फर्स्ट टिप मेरी ये है कि आपको सबसे पहले जाना होगा अपनी सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। गाइस, अगर आपने अभी तक डेवलपर ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है तो आप जल्दी से अबाउट फोन में एंड एमओए बटन पे 7 बार टैप कीजिए, ठीक है, तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको जाना है अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स में, एंड उसके बाद में आपको जो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में जाना है, एंड नीचे की साइड में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स GPU रेंडरिंग का, ठीक है, तो इसको आपको जो है एनेबल कर देना है। अगर जैसे आप इसको एनेबल करोगे तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी सेव हो जाएगा। सो गाइस, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपके जो कीबोर्ड्स है, ठीक है, जब भी आप कुछ लिखते हो तो ये जो है वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, तो ये जो वाइब्रेट की जो साउंड है इसको आपको जो है डिजेबल कर देना है। तो डिजेबल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जो आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में ये 4 बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गाइस, मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा इनपुट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है वाइब्रेट ऑन की प्रेस है, तो इसको आपको जो है ऑफ कर देना है, डिजेबल कर देना है, एंड ये है पॉप अप ऑन की प्रेस, तो इसको भी आपको डिजेबल कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो वाइब्रेशन की साउंड है जो भी आप लिखते हो तब होती है कीबोर्ड पे प्रेस करते टाइम पर, ठीक है, तो वो जो है अब नहीं होगी, और जब साउंड नहीं होगी तो जो बैटरी है वो थोड़ी सी सेव हो जाएगी, और बैटरी सेव हो जाएगी तो बैटरी ज़्यादा चलेगी, ठीक है। सो गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप के लिए आपको जाना होगा अपनी फोन की सेटिंग्स में, एंड फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको जाना है नीचे की साइड में, एंड नीचे की साइड में जाने के बाद आपको जो परमिशंस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है ऑटो स्टार्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। गाइस, ऑटो स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, जो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये ऑटो स्टार्ट पे मेरी 5 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर क्या करना है, जो फालतू के एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उनको आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट से हटा देना है, और जो आप सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज करते हो तो उन एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पर रखना है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको 2 से 3 एप्लीकेशंस को यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने ओनली फेसबुक एंड व्हाट्सएप को ही रखा है, एंड बाकी की सबको यहाँ पर से हटा दिया है, ठीक है। तो आपको भी बस इतना ही करना है, आप जिन एप्लीकेशंस को सबसे ज़्यादा यूज करते हो तो उनको यहाँ पर रखना है, एंड बाकी की जो फालतू की एप्लीकेशंस हैं जिनको आप ज़्यादा यूज नहीं करते तो उनको यहाँ से हटा देना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसे ऐसा करने से आपके जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो थोड़ी सी सेव हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन की सिक्योरिटी ऐप में जाना है, एंड फ़ोन की सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद आपका जो बैटरी सेवर है, ठीक है, तो इसको आपको जो है राइट टाइम पर एनेबल करना है। राइट टाइम यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको जब भी बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तब इसको आपको जो है एनेबल करना है, ठीक है। सो गाइस, मेरी नेक्स्ट और लास्ट टिप है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन की सिक्योरिटी ऐप में जाना होगा, एंड फ़ोन की सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद आपका जो स्मार्टफोन है उसको आपको दिन में ज़्यादा बार नहीं, ओनली 1 बार स्कैन करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा बार मत कीजिएगा, ओनली 1 ही बार कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी 5 एडवांस सेटिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आप यूज करोगे तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी, अगर बैटरी सेव हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बैटरी ज़्यादा चलेगी। सो गाइस, आप भी इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कीजिए, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी में फ़र्क पड़ा या नहीं, आपकी बैटरी ज़्यादा चल रही है या नहीं, आई थिंक की बैटरी में फ़र्क पड़ा होगा, बैटरी ज़्यादा चल रही होगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लीजिएगा। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।